नमस्कार। कहते हैं जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपकी सोच होगी, वैसे ही आपके कर्म बनेंगे, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपका भाग्य बनेगा, वैसे आपका विकास होगा, वैसे आप उन्नति करोगे। तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, अपने विचार बदलने पड़ेंगे। अपने विचार को पॉजिटिव बनाओगे तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस बहुत जल्दी आएगी। इसलिए विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए भी आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि अंत समय जो आप सिमरोगे आपको वही अगले जन्म में मिलेगा, परंतु अंत समय में वही सिमरोगे जो आप जिंदगी भर सिमरते रहे हो, जो हमेशा सिमरते रहे हो। अगर आप भगवान का नाम सिमरोगे तो अंत समय भी भगवान का नाम आएगा। अगर आपने ज़िंदगी भर जो है उल्टी सीधी नेगेटिव एटीट्यूड रखा, दूसरों का बुरा सोचा, तो उस समय भी आपके बुरे विचार आएंगे और आपका जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए आपको हर पल पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी है, सबका भला सोचना है। सबका भला सोचने में आपके अपने कर्म जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तभी तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसलिए तो कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो आपको खुशी भी आएगी, खुशी आएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा वर्किंग अच्छी होगी, वर्किंग अच्छी होगी फिर प्रोग्रेस आएगी, सुख आएगा, खुशी आएगा। सो अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, सबका भला सोचो, और कुछ टाइम रिलीजियस टीचिंग्स पे डिस्कस करो, अपने दोस्त बनाओ। कुछ दोस्त बना के रिलीजियस जो ज्ञान है, धार्मिक ग्रंथ जो हैं, उन पे चर्चा करो। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में जाओ, साइंटिस्ट होते हैं, चर्चा करते हैं, तभी तो रिसर्च कर पाते हैं। तो डिस्कशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से रिलीजियस टीचिंग्स हैं, रिलीजियस ग्रंथ हैं, उन पे भी आप डिस्कशन करो, इस ग्रंथ में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, फिर आपके विचार बदलेंगे। अच्छी जो टीचिंग डिस्कस होंगी तो आपके विचार पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव विचार होते सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए अपने विचारों को बदलने के लिए हर प्रयास करो, विचारों को पॉजिटिव रखो, ताकि आपका जीवन सुखी हो और आप खुश रहें, उन्नति करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।